में बाढ़ के कारण जो हालात पैदा हुए हैं उसे हर कोई जानता है। केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों की सरकारें, ई कॉमर्स साइट्स, बैंक आदि केरल की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा ये जानना दिलचस्प होगा कि जेल में बंद एक कैदी ने भी केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए हैं। ये कैदी कोलकाता की अलीपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है और बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए 1,00,000 रुपए की मदद देना चाहता है। ये वो पैसे हैं जो 70 से अधिक उम्र के शेख अजीज नाम के इस व्यक्ति ने जेल में छोटा मोटा काम करके कमाए हैं। इसी मामले पर करेक्शनल सर्विस डिपार्टमेंट के मंत्री उज्जवल बिस्वास ने कहा कि ये काफी अच्छी चीज है, जैसे ही ये प्रस्ताव मेरे पास आएगा मैं इसे पास कर दूंगा। बहरहाल अजीज का आवेदन अभी डीजी अरुण गुप्ता के पास भेजा गया है। जेल के अधिकारियों ने बताया कि बुजुर्ग कैदी भी केरल से ही ताल्लुक रखता है, लेकिन उस राज्य से कोई भी व्यक्ति कभी उनसे मिलने के लिए नहीं आया। बता दें कि जेल में कैदियों को उनके काम के मुताबिक मजदूरी मिलती है, जो उनकी कमाई होती है। कैदियों के 8 घंटे काम करने के बदले में उन्हें 200 से 280 रुपए तक की मजदूरी मिलती है। नियम के अनुसार उनकी कमाई गई राशि का आधा हिस्सा कैदियों को ही दे दिया जाता है और आधा हिस्सा उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है। इसी बैंक में जमा राशि से अजीज केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहता है। गौरतलब है कि अजीज 1993 के बाऊ बाजार ब्लास्ट केस में दोषी पाया गया था। इस हमले में 69 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में अजीज पिछले 25 सालों से भी ज्यादा समय से जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ.इन।